व्हाट्स अप किंग जैक्स प्रो गेमिंग गैंग, आज हम लोग अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसको मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैक्स प्रो गेमिंग गैंग रिलेटेड टू पबजी है। मैं यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक जो आप चाहे वो आपको यहाँ पर हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और मेरा नाम है जय सिंह और चलिए शुरू करते हैं अपना गेम। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जा रहे हैं जैक्स से, हमें पता चलता है कि हमारे बंदे के साथ नेटवर्क चला गया है। तो मेरे साथ है किंग शिवा जो हमारी फ्लैंक है और वो उनके साथ चले जाते हैं। उन्होंने कहा मुझको फॉलो करो, मैंने जंप नहीं मारा, फिर मुझको याद आया मेरी लुक निकल गया, फिर मैं अचानक जंप मारता हूँ, फिर उनके पीछे आता हूँ क्योंकि नंबर यार को हम लोगों ने फॉलो किया था और उसने ऑफलाइन चला गया था वैसे। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे होते हैं अपने बंदे पीछे, लेकिन हम आगे जब जा रहे होते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि डिस्टेंस तो बहुत दूर है, क्योंकि अगर हम लोग साथ में जाते हैं अपने बंदे की तो तीनों को और पहुँच जाते हैं। हम लोग बहुत आगे उतर गए थे, ये हमारी दिक्कत थी। और ये हम लोग जब नीचे देखते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है कि वो लोग आगे निकल रहे हैं। फिर क्या हुआ, जैक्सो गेमिंग गैंग ऑब्वियसली दो बंदे वहाँ पर पहले से उतर रहे थे। मैं जान रहा था कि अगर मैं यहाँ उतरा अपने बंदों से दूर हूँ और गन तो मिलती है नहीं यहाँ पर। मैंने कई बार यहाँ पर आया, मैंने देखा है यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लूट नहीं होती, कोई गन नहीं मिलती है। जहाँ तक ईजी या शॉर्ट गन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और जो मिलेगा वो उनको मिल जाएगा तुरंत। इसलिए हम लोग सीधा अपने बंदों की तरफ चल दिए और अगल बगल देख रहे थे कि कोई बंदा फास्ट फ्लैंक मार के हमारी पेटी ना बना दे। यहाँ पर मेरे सेंसिटिविटी में कुछ दिक्कत आ रही थी, मेरे कुछ कंट्रोल्स में दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, जिससे हम लोग देख रहे थे अगल बगल। फिर उसके बाद हम लोग सीधे चले जा रहे थे अपने बंदों के पास, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर कहीं मेरी फ्रीडम खाली ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कैंप्रो की टोली बहुत अच्छी होती है जो पहले उतर के ही बीच में बैठे रहते हैं कि जो बंदा निकले पास उसकी फ्रीडम खाली कर दें। फिर मैं अपने बंदों को किया, मैंने उनसे बोला कि भाई गाड़ी दे आओ इतने दूर कैसे आए। फिर किंग शिवा भाई ने अपनी गाड़ी लाई और तब तक के लिए हम लोग इसमें वीडियो देखते रहिए। और आपको अगर ये गैंग ज्वाइन करनी हो तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रोज़ डेली वीडियो हम लोग करेंगे। और अगर हम लोग के वीडियो में लाइक सब्सक्राइब आप कर देंगे तो आप भी कहीं हम लोग एक ग्रुप मैच करेंगे जहाँ पर हम अपने सब्सक्राइबर साथ गेमिंग करेंगे। इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जैक्स प्रो गेमिंग गैंग को। तो गाइस ये जहाँ आपने देखा इस घर के अंदर में गया तो लेकिन कुछ मिला नहीं, मतलब बेकार वाला मैटर है, गैस कैन के अलावा कुछ मिला नहीं था। वो समझिए जैक्स प्रो गैंग कुछ नहीं था, नथिंग, सिर्फ एक रेड डॉट गिरा हुआ। तो फिर अब हम लोग को कहीं जाके क्रॉस बॉक्स मिला, जिसके कारण हम लोग इसमें हमने कह ले लिया जाए कहीं बंदे बीच में अगर मिल गया तो इसी से फिल्म पाली करने का मज़ा आ जाएगा। क्या है कुछ कह नहीं सकते हैं, पबजी कब क्या देते हैं। क्योंकि फिर एक सामने घर था, ठीक है, फिर उसको दिखा कैसे खुली होने का अपने भाई को बोला पाली मारने छोड़ो क्या करना है, मैंने जो हमने फिल्म पाली खरीद लेंगे चिड़ी की बात है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर आपको मेरा नाम पता ना तो मैं जैसे दो परी का नौ नहीं हूँ मैं ऐसे ही। तो फिर भाई लोग हम लोग आ गए हैं अपने मिल्टा में, मिल्टा में आते ही हम लोग मिल ही जाती है ज़्यादातर, लेकिन मिलता है भाई इन लोग, मैं आपको बता दूँगा कि ऐसी जगह जहाँ पर लूट अच्छी हो सकती है। लूट क्या आप समझिए, ऐसी कोई चीज़ ना होगी जो आपको ना मिलेगी, लेकिन अभी हमारी किस्मत में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है शॉर्ट गन के अलावा। लेवल 3 का बैक पैक हमको ज़रूरी होता है। फिर हमने शॉर्ट गन उठाई और शॉर्ट गन लेकर बाहर चले आए, हमने कह रहे क्योंकि हम लोग का चैलेंज में कभी कभार शॉर्ट गन कम हो जाती है। उसके अंदर तो आप बेशक कोई ना कोई गन या कोई बंदा मारा हुआ जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप मार के गिरा सकते हैं। उसको यहाँ पर कुछ कारण मिले, लेकिन उस कारण से बस मेरी किस्मत आगे आ गई, यहाँ पर हमें उसकी एमो नहीं मिली।
एमओए मिले भटकते घूम रहा था अंदर, कुछ नहीं मिल रहा था। बंदों की कुछ स्टेप आई, मुझे कुछ स्टेप के साथ वो गाड़ी में था। फिर मैंने बात से बोला भाई गाड़ी आ रही है, उसने बोला वो तो चली गई। मैंने घबराइट से प्लान मार ही नहीं सकते, कर गया लगा। लेकिन अब हमें ईजी रूम को तलाश की, क्योंकि उस वजह से हम लोग उनका सूरज चार्ज करने को डर है, ईजी कम करने से डर है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आजकल भाई लोग मैं देख रहा हूँ कि सब लोग डिजिटल यूट्यूबर्स हैं। वन एक्सपेक्ट के बारे में बहुत कुछ आपको सुने होंगे। वन एक्सपेक्ट भाई मैंने तो आपसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने आपसे जितने भी यूट्यूबर्स से बात करी है उन्होंने यही बोला है कि वन एक्सपेक्ट एक स्पोर्ट प्रोडक्शन हम दिया था, इसमें आप जाइए और पैसे कमाइए। मतलब इसमें आपका बोनस पॉइंट चल रहा है, अगर आप 100 डालते हैं तो आपको 200 रुपये जीतने का मौका मिलता है, मतलब आपके 100 कैशबैक। तो अभी डाउनलोड कर लिए वन एक्सपेक्ट भाई है। आप लॉकडाउन में काम नहीं आएगा, हमारे घर के लिए काम करते तो काम याद जाते हैं। तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को मिल गई है यू एम पी की स्किन। मैंने अभी कुछ दिन पहले शॉप से खरीदी थी, अच्छी लग रही है स्किन। यू एम पी की स्किन ही मिली थी, क्योंकि हम लोग अभी और यहाँ पर फोटोग्राफ के कारण वो भी मिल गई है। और फिर हम लोग चल दिए बंद हो गए, फिर हम कल दिए। लेकिन आप जानते हैं मिल्टा में ज़्यादा बंदे तो आएंगे है नहीं, फिर गया कूदना पड़ गया। बंदे ने दिखाई दिया मेरे को, मैंने एक तरह का बॉट ही लग रहा था, किसी के बॉक्स का वो चला आ रहा था। अगर उसके बॉक्स में देखते कुछ ना कुछ नहीं मिल रही है, जहाँ पर ये बॉट ये था, क्योंकि उसके बाद ड्रेस देख के तो नहीं लग रहा था मेरे को। तो अभी तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए ये आपको क्या, लेकिन मुझको तो मेरा बंद ये नहीं है। जहाँ तक क्योंकि बंदा था और उसकी दौड़ते हुए चला आ रहा था, मुश्किल है होगा वैसे ना, वो तो दौड़ते रहते सीधे या फिर रुका छुपा, ये तो गलत बात है। मेरे हम लोग के सामने छुपेगा, जहाँ तक हमारे शिवा भाई का नेट बहुत जाता है, हमेशा चला जाता बीच बीच में। मुझे उनको बाद में आके भाई बोलते हैं अरे भाई यार मेरा नेट, लेकिन कोई बात नहीं, होगी प्रॉब्लम सबके साथ होती है। हम लोग जिसको जो पता है एक्सप्रो गेमिंग है कहाँ से नेट आता है। मेरे घर में भाई दो जगह हैं, एक है जहाँ भाई मैं बैठ के अपना देया करता हूँ वीडियो, जिस जगह पर मेरा टेबल रखा है वहाँ पर आता है, वो वहाँ पर पिंक सही रहती है मेरी। पिंक का इशू है तो मेरे भाई किंग शिवा भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, वो भी एक यूट्यूबर है, आप उनके साइड में जा कर देख सकते हैं ये वीडियो। और भाई यहाँ पर ड्रिंक लगाते हुए हैं, जो पिंग इश्यू हो रहा था फिर मैंने जाकर भाई से बात करी। इनका एक वीडियो भी पड़ा है, इनके लिंक नीचे जाकर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक छोड़ दूँगा, आप जाके इनको चेकआउट करिए और सब्सक्राइब करिए इन्हें। इनके टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत आगे आते हैं और कई लोग देखते भी हैं, और काफ़ी लोग ने कमेंट भी करा है इस बारे में कि पिंग इशू दिक्कत कर रहे हैं। मुझको भी कई बार पिंग इशू के बारे में कई लोग ने पूछा है, तो मुझे उसको पता नहीं था। लेकिन जब पिंग शिवा भाई ने यूट्यूब अपना चैनल शुरू किया तब उन्होंने मुझे बताया कि पिंग इशू कैसे ठीक करते हैं। भाई लोग बहुत पहले से मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, पहले मेरे भाई के पास था 7 प्रो, उसमें मैंने गेम खेलना चालू किया था पबजी। और जब मैंने सोच चालू किया था तो उसकी कुछ क्लिप मेरे पास पड़ी है, वो क्लिप शायद टिकटॉक पर थी, लेकिन डाला था मैंने, लेकिन अब तो टिकटॉक बैन हो गया तो आईडी निकालने को सवाल ही नहीं उठता। वो शायद क्लिप मेरे एक फ़ोन में पड़ी है, उसको मैं लगा उस पर अटैच करने की सोच रहा हूँ इस पर, लेकिन अटैच अभी नहीं करता हूँ। आप लोग कहेंगे कि एकदम दो कड़ी करने उबड़ा ही निकला। लेकिन भाई मेरा नाम अजय सिंह, अब मैं आई डोंट केयर अबाउट दिस। फिर मुझको यहाँ से लग रहा था कि हम लोग ब्रिज की तरफ से निकल रहे थे, मुझको लगा ब्रिज कैंपिंग करी जाए, लेकिन फिर मुझे डर लग रहा था कहीं ब्रिज कैंपिंग ना हो जाए हमारी, क्योंकि भाई लोग इसमें ये बाइक में बड़ी दिक्कत होती है, पीछे आदमी गन नहीं चला सकता है यार। देखो मेरे भाई को छोड़ के भाग गया, गाड़ी मिली और जैक्स को गैंग आप देख सकते हैं गाड़ी फूटी है, पक्का कोई बंदा तो है यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि होगा गाड़ी को अभी निकल गया होगा, फिर हम अपने से आगे निकल चलते हैं।
गेमिंग गैंग अक्सर आप लोग ब्रिज से निकलते होंगे और देखते होंगे कि बंदे वहाँ पर ब्रिज कैंपिंग वगैरह करते हैं। इसका एक तरीका है, आप हमेशा जब भी ब्रिज से निकलिए हमेशा अपनी गाड़ी को इतनी तेज रखिए, इतनी तेज़ रखिए, मतलब बूस्टर दबा रखी हुई, क्योंकि बूस्टर दबाया आपने, और जैसे आपके साथ आपके टीम मेट हैं उनको हमेशा बाहर रखिए और ग्रेनेड हमेशा अपने हाथ में रखिए, उसे बीच बीच कैंसिल करते रहिए, जहाँ कोई बंदा आपको दिखे सीधे उनके पास फेंकिए ग्रेनेड। इस वीडियो में तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब अगली बार मैं अपने वीडियो में ब्रिज कैंपिंग करूँगा ज़रूर, और आपको तब दिखाऊँगा कैसे बंदों की तेल पाली कर देते हैं, राइट से फ्लैंक मार के उनका सूरज चांद कर देते हैं, केटी कम कर देते हैं। और भाई लोग यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हमारे टीम मेट्स हैं। भाई हमारा गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था, जहाँ पर मैं भाई से बोल रहा था कि यहाँ पर आप टावर देख रहे हैं, उस टावर पर आप हमेशा जाया करिए, उस टावर पर आपको लूट बहुत मिलती है। वैसे घर के अंदर तो बंदे आप जानते ही कितने बंदे रहते हैं, मेरे भाई से बोला तो भाई तो सुने नहीं, चलो यहीं पर चला जाए। वैसे भी यहाँ पर भी लूट मिली जाती है, और मुझको यहाँ पर एक फ्लेयर मिलती हुई, और मेरे भाई को भी शायद बीच में मैं मुझको याद है कि इसमें फ्लेयर मिल जाती है भाई को। भाई साहब डीपी कभी भी ना उठाइएगा, आपको एक नंबर की बेवफा गन होती है, इसको चलाने की ये ठीक तो है गन, लेकिन इसका पूरे सही भी है, लेकिन जब रिलोडिंग होती है बहुत दिक्कत होती है भाई साहब। एक बंदा हुआ तो ठीक है, अगर दो तीन बंदे हो गए तो फिर आपकी केलम पाली हो जाती है, आप केडी कम कर देते हैं वो लोग, और जानते हैं केडी आज कल रहे। और मेरे भाई को एक और फ्लेयर गन मिल गया, मुझको याद था कि एक फ्लेयर गन मिली थी, हम लोग ने इसको फ्लेयर गन को रोका क्योंकि हम लोग को फर्स्ट स्टेप आ रही थी बंदे की, उसको ना किधर है बंदा, और सामने खड़ा था, बंदा डीपी लिए था, मैंने आपसे बोला था डीपी रिलोडिंग बहुत मांगती है। और भाई लोग मैं ईयर प्लग्स लगा गेम खेल रहा था, इसलिए आपको साउंड नहीं आ रही है, अगले में मैं ईयर प्लग्स हटा खेलूँगा। बस दिक्कत ये कि मेरा घर एकदम रोड के किनारे पड़ता है, तो आप जानते हैं साइड में अगर रोड साइड में होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपनी अपनी जगह है, क्या करा जाए, एडजस्ट करिए आप तो, अगर एडजस्ट दूसरा नाम होता है ज़िंदगी का। फिर मेरा भाई चल दिया बंदों को ढूंढने फिर से। भाई लोग अगर आप लोग को कोई भी इश्यू हो पबजी में, कोई भी जहाँ पर आपको दिक्कत हो कि जहाँ पर पता है कि बंदा है हमको मारना ही जगह से, या यहाँ पर इस गन से तो पक्का मेरे चल रहा है, शॉर्ट गन चैलेंज मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट गन से पूरे जॉर्ज पुल को साफ करने की सोच रहा हूँ, जॉर्ज पुल तो नहीं, जॉर्ज पुल साफ कर सकते हैं, लेकिन जॉर्ज पुल में इतने बंदे नहीं जा रहे हैं, जॉर्ज पुल अब पुराना हो गया है, देखिए पोचंकी पहले कहा करते थे कि बहुत बंदे जाया करते हैं, पोचंकी इनकम घर है वहाँ पर बंदे ही बंदे रहते हैं, वहाँ जाते बैंड बजा देते हैं, सब कुछ नहीं है, अब सब कम हो गए हैं, बंदे से डरना नहीं है, हमेशा आप लोग पैनिक हो जाते हैं बीच बीच में, पैनिक ना हुआ करिए गेम में, अगर आप पैनिक हुए तो सामने वाला बंदा, आप जानते हैं अगर आपने अपनी कमज़ोरी दिखाई तो सामने वाला बंदा आपको छोड़ता नहीं है, बस अरे डट के सामना करिए उसका। क्या हुआ मनी तो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा गेम में, रिस्टार्ट कर लेंगे, डरते हैं किसी से, लेकिन हमेशा यही सोच ही गेम खेला करिए, जब ये आप सोच खेलेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आप कोई दिक्कत नहीं, अब कोई रोक नहीं सकता बनना मेरे को मरने से, है मैं जीतने से। मैं और मेरे भाई ने फ्लेयर गन को चलाने सोचा, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि अगर आखिरी में फ्लेयर गन चलाएंगे तो बंदे आने ही आने हैं, और उससे छोटे में चलाएंगे तो न्यूटम नाटी करने में भी दिक्कत हो सकती है। हम लोगों ने कहा अगर स्कूल के ऊपर चलाएंगे तो बगल में बंदे आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाई लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को गन कौन सी पसंद है, मेरे को तो उसका कॉम्बो अच्छा लगता है, हमेशा उसको स्कारल और इसके साथ मुझको M416 कार्ड गन चलाने मज़ा आती है हमेशा। भाई लोग आप लोग M416 का स्प्रे ज़रूर देखिएगा, M416 का रिकॉल भले बराबर नहीं होता है लेकिन ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो भाई लोग यहाँ पर आपने देखा दो प्लेन आए, अगर एक इसमें ये ट्रिक है कि कभी फ्लेयर गन आप उसके बाहर जोन के बाहर आप चलाएंगे
तो हमेशा आपको BRDM आएगा, कभी आप लुक नहीं कर रहे होंगे लेकिन BRDM ज़रूर आएगा। और अगर आप जोन के अंदर चलाते हैं तो आपको गन ज़रूर मिलनी है, क्योंकि वो PUBG भी बहुत होशियार है, आपको हमेशा आपकी ज़रूरत के हिसाब से सामान मिलेगा। अब अभी आपको गन चाहिए तो है नहीं जोन के बाहर, पहले जोन से बचेंगे कि गन से है जोन से, पहले गाड़ी आपको चाहिए। यहाँ पर एक हमारा प्लेयर ऊपर उतरा था और एक नीचे, मेरे लुटते लुटते मेरे भाई ने उठा लिया था, तो जो मैंने भी भाई गन ले ही ली थी उससे। लेकिन भाई साहब मुझको ड्रॉप की गने नहीं अच्छी लगती, ड्रॉप की गने चलाने में दिक्कत होती है, जो गन आपको रोजगार मिलती है उसका मज़ा आप कहीं नहीं पा सकते हैं। मेरे को बस एक गिली सूट चाहिए होता है, उसमें गिली सूट हेलमेट और बैकपैक, बस उसी का दीदार रहता है भाई को।